यूपी के चंदौली में मंगलवार की रात सदर कोतवाली के हिनौता गांव के पास डाउन लाइन पर डीडीयू जंक्शन से चंदौली की तरफ मालगाड़ी गुजरी और इसी बीच पोल संख्या 660/24 से 660/30 के बीच कुछ लोगों के ऊपर ये मालगाड़ी गुजर गई। गुड्स ट्रेन के चालक ने इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल को दी। कंट्रोल की सूचना पर जीआरपी आरपीएफ समेत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चार लोगों के शव तितर बितर पड़े थे। टीम ने वहां पहुंच शवों को एकत्र किया, जहां मृतकों की स्थिति को देखकर लग रहा था कि सभी एक ही परिवार के हों। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये एक हादसा था या फिर आत्महत्या। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। चंदौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेल पटरी पर जो है चार शव मिले हैं, जिसमें तीन महिलाएं हैं और एक पुरुष है। शव जो है छत विचत अवस्था में है। हिनौता गांव के पास से रेल पटरी पर शव मिला है। शवों को उठाकर मर्चरी भेजा गया है। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शवों के आसपास से कोई भी सामान, बैग, झोला या किसी इस तरह का कोई सामान नहीं मिला जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके। और पटरी पर सोए हुए लोगों को ड्राइवर, जो ट्रेन का ड्राइवर था, वो देखा था, जिसने बताया था आगे जाकर कि तीन लोग जो पटरी पर सोए थे, जिस पर से ट्रेन गिर गई है। इससे अभी कुछ क्लियर स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि ये घटना कैसे हुई है। एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी और उसके कारण से हुए लॉकडाउन से त्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूर तबके के लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए लगभग सभी ग्राम सभाओं में मनरेगा कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे गांव में मजदूरों को रोजगार मिल सके और उनकी आजीविका चल सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मजदूरों को काम तो मिल रहा है, लेकिन महीने भर हो गए उनको पैसे के दर्शन नहीं हुए। ताजा मामला यूपी के अमेठी जिले के करौंदी ग्राम सभा से सामने आया है, जहाँ जॉब कार्ड धारक मनरेगा मजदूरों ने सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर धरना दे दिया। यहाँ सिर्फ प्रधान प्रतिनिधि ही काम देख रहे हैं और उनके हिसाब से लगभग लोगों को पैसा मिल गया है, लेकिन सभी मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उनको कोई पैसा नहीं मिला है। अरे समस्या मनरेगा में काम हम कर रहे हैं, इतने महिलाएं लेकर हम गिन गिन के लाए हैं और ये सब पैसा मांगती हैं तो क्या करें। अपना खोपड़ी थोड़ी पटाए, प्रधान आता है कहता लगा है कहाँ लगा है। वीडियो कहते हैं हर हफ्ता मिलेगी, कहाँ मिल रहा है। प्रधान इसी तरह आता है, कह के चले जाता है। हमारे सब आम जनता पागल बनी है। इसे 26 हो गई, एक को पैसा नहीं मिला। हमने धरना दिया यही भरे कि महीने भर से तो काम लागा है, जब हम सब मजूरी दिहाड़ी पौते नहीं ना। आज 26 से काम लागा, 26 आ जा, इतना दिन कल मिले परसों मिले यह करत एक महीना भी दिए, हम अपन बच्चा कैसे जी आई। मतलब यही बड़े तो काम लागा है, जब हमका सबका कोनो चीज़ मिलता है नहीं ना, तो धरना देवे करवाए। हमारे यहाँ तालाब पर काम चल रहा है मनरेगा की तरफ से, लोगों को काम लाभ नहीं था, इसलिए हमने मनरेगा का काम लगवाया है। और वहाँ पे शुरुआत में जो 15-20 लोग काम कर रहे थे, उनका मास्टर रोल निकाल करके पेमेंट किया गया है। उनका 6-6 दिन 2 पेमेंट आ चुका है। बाकी के उसके बाद जो लेबर बढ़े हुए हैं उनका भी पेमेंट लगा हुआ है, लेकिन बैंक 2-3 दिन से बंद थी, इसलिए खाते में लोगों का पैसा नहीं आ पाया है। बुंदेलखंड के महोबा जिले का कबरई कस्बा भी बीते कई वर्षों से पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा था। सरकार इस समस्या से वाकिफ थी और लगातार इसके समाधान के लिए भी प्रयास कर रही थी। इसी के चलते विधायक रमेश जी ने जनप्रतिनिधियों की पहल पर 22 करोड़ की लागत से बनी 2 पानी की टंकियां लगवाई। शिलान्यास भाजपा के सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने किया। इस दौरान कबरई नगर पंचायत चेयरमैन जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी सहित भाजपा के पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। कस्बे के लोग खुश हैं और बताया कि अब उनकी बहन बेटियों को रात तक पानी भरने के लिए नहीं जाना होगा। राजस्थान के कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में 24 सितंबर को मुलजिम मोहित उर्फ रजनीकांत ने जमीनी विवाद को लेकर अपने साथियों और हथियारों से लैस होकर अर्जुन कुमार को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। इस घटना पर थाना भीमगंज मंडी द्वारा मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसके खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
मुलजिम मोहित ने अक्टूबर में गिरफ्तारी के समय हेड कांस्टेबल गजेंद्र पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। गुमानपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहित, जिसके आधार पर पुलिस ने रामचंद्रपुरा से मुलजिम को गिरफ्तार किया है। दिनांक 24 सितंबर को भीमगंज मंडी इलाके में मोहित खटीक और उसके साथियों ने एक व्यक्ति के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग की थी और उसके बाद वो फरार हो गए थे। इसमें मोहित खटीक तभी से फरार चल रहा था। 6 अक्टूबर को थाना गुमानपुरा के हेड कॉन्स्टेबल गजेंद्र ने भी उसको पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसके ऊपर चाकू से हमला कर मोहित खटीक फरार हो गया था। मोहित खटीक की गिरफ्तारी के लिए IG साहब कोटा रेंज ने 10,000 का इनाम घोषित किया था, जिस बाबत SP साहब कोटा शहर ने स्पेशल टीम गठित की थी। आज स्पेशल टीम को आसूचना प्राप्त होने पर मोहित खटीक को रामचंद्रपुरा से गिरफ्तार किया गया है। मोहित खटीक के खिलाफ विभिन्न थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं और वो थाना गुमानपुरा का हिस्ट्री शीटर है।